कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही सहमति में देर हो, लेकिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहयोगी दलों को लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। आलम यह है कि बिना किसी सहमति के राजद अब तक अपने 10 प्रत्याशियों को चुनावी सिंबल बांट चुका है। गुरुवार को राजद ने पहले चरण के लिए चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय करने के बाद उन्हें चुनाव सिंबल दे दिया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शुक्रवार को बांका संसदीय क्षेत्र से दावेदार रहे जयप्रकाश नारायण यादव और मुंगेर सीट पर अशोक महतो की पत्नी अनिता कुमारी को सिंबल दे दिया। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों की माने तो इन 6 उम्मीदवारों के अलावा पाटिल पुत्र संसदीय सीट से लालू प्रसाद ने अपनी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया। जहानाबाद के पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव और बक्सर से सुधाकर सिंह को सिंबल दिया है। उजियारापुर से पूर्व मंत्री आलोक मेहता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। इससे पहले अभय सिंह कुशवाहा को औरंगाबाद से, नवादा से श्रवण कुशवाहा, गया से पूर्व मंत्री कुमार सरबजीत, जबकि जमुई से अर्चना रविदास को चुनावी सिंबल दिया गया है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस और वाम दलों पर भी सीट बंटवारे को लेकर दबाव बढ़ेगा और साथ में पशुपति पारस को लेकर इन इंडिया गठबंधन में भी बातें बढ़ेंगी।